नमस्कार, आज हम बात करेंगे भाई दुबई यूएई से रिलेटेड। जी हाँ साथियों, आज तक जितने भी वीडियो हमने बनाए हैं, जितने भी इंफॉर्मेशन आपने दी है यूएई से रिलेटेड, दुबई से रिलेटेड, अच्छी अच्छी अपडेट थी। भाई आपने सुना ही होगा कि हमेशा जो मीठे मीठे खाते हैं उसको खारा भी खाना पड़ सकता है। हमारी मारवाड़ी में कहावत है, जो रोज़ मीठे मीठे खाएं उसको खारा भी खाना पड़ सकता है। जी हाँ, और ये कहावत हकीकत में बदल भी चुकी है, आपको खारा खाना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता देता हूँ, पूरा वीज़ा से रिलेटेड हम बात करेंगे, टोटल से विजिट वीज़ा, परमिट वीज़ा, रेजिडेंशियल वीज़ा, सभी वीज़ा से रिलेटेड बात करेंगे। और बहुत ही बैड न्यूज़ मैं मान सकता हूँ कि एक तरह से सरकार ने, बोलते हैं ना कि वादा करके मुकर जाना, सरकार ने धोखा किया है। जी हाँ साथियों, आप लोगों के साथ में पूरी जानकारी डिटेल से बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें, फेसबुक पेज वाले भाई पेज को फॉलो कर लें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहली बात तो तीन चार पॉइंट पे बात करूंगा भाई। पहली बात बता दूं, 17 मार्च, जी हाँ साथियों, 17 मार्च 2020 तक आपको पता है दुबई ने बहुत सारे वीज़ा निकाले थे, विजिट वीज़ा, जिसमें हजारों की संख्या में बोल सकते हैं ऑल वर्ल्ड में, इंडिया के साथ में और भी जितनी कंट्री हैं, विजिट वीज़ा 17 मार्च रात को 12 बजे तक वीज़ा निकले थे। वो आपको पता है फिर लॉकडाउन लग गया, वो वीज़ा 17 मार्च के बाद में कोई वीज़ा नहीं निकला, उसके बाद लॉकडाउन लग गया तो लोग विदेश दुबई नहीं जा पाए। बहुत सारे लोगों का 1 मंथ का वीज़ा भी था, 3 मंथ का वीज़ा भी था, वर्क परमिट वीज़ा भी था, जितने भी प्रकार के वीज़ा थे पैसे लग गए। वीज़ा हाथ में आने का मतलब वीज़ा निकल गया, वीज़ा निकलने का मतलब पैसे लग गए। उसके बाद में आपको पता है हुआ क्या, कोरोना लॉकडाउन लग गया, फ्लाइटें बंद हो गई, तो आदमी जाए तो कहाँ जाए। उसका दुबई गवर्नमेंट ने अभी तक कुछ भी आपको पता है आपको कोई समाधान नहीं किया। कल परसों की डेट में ये अलाउंस भी कर दिया गया कि 17 मार्च तक जितने भी वीज़ा निकले थे सब कैंसिल हो चुके हैं, रिन्यू नहीं होंगे, और माइनस बड़ी बात यह है कि पैसा रिफंड नहीं होगा। जी हाँ साथियों, दुखती रख पे हाथ रखना इसको बोल सकते हैं कि पहले से ही लोग मर गए, कोविड-19 की वजह से मरे पड़े हैं, उनका जिंदगी खराब हो गई, जॉब चले गए, बीमार बेचारे गरीब लोग थे, उनको दुबई गवर्नमेंट ने, यूएई गवर्नमेंट ने और बड़ा सदमा देते हुए वीज़ाज कैंसिल कर दिए, पैसा रिफंड नहीं मिलेगा। जी हाँ साथियों, जिनके वीज़ा 17 मार्च तक निकले थे, कोई भी वीज़ा हो, चाहे विजिट परमिट, वर्क परमिट, कोई भी हो, कोई पैसा रिफंड नहीं मिलेगा। जी हाँ साथियों, दूसरी बैड न्यूज़ मैं बता दूं आपको, पता है साथियों, आज से 3 महीने पहले गवर्नमेंट ने घोषणा की थी कि जो 1 मार्च यानी 1 मार्च से पहले जिनके वीज़ा एक्सपायर हुए उनको सरकार ने आपको पता है कि भाई ठीक है टाइम दे दिया, ग्रेस पीरियड दे दिया कि 18 अगस्त तक आप अपने घर जा सकते हैं, आपको पैसा नहीं लगेगा, आपका जुर्माना आपको नहीं देना होगा, और आप इलीगल भी नहीं होगे, आपका ब्लैकलिस्ट भी नहीं करेंगे, आपका जुर्माना भी नहीं लगेगा, आप घर जा सकते हो। उसके बाद में जो 1 मार्च के बाद में जो वीज़ा, यानी मार्च हो गया पूरा, अप्रैल हो गया, मई हो गया, इनमें जिनका वीज़ा एक्सपायर होते उनको ये बोला गया था कि आपका वीज़ा 31 दिसंबर 2020 तक एक्सटेंड कर दिया गया। जी हाँ साथियों, आप सब लोगों के पास न्यूज़ आई थी, आपको सबको पता है, आप सब हैप्पी भी थे, बहुत सारी दुनिया दुबई में अभी बैठी है जो वीज़ा कन्वर्ट कर, बहुत जिन्होंने वीज़ा कन्वर्ट करवा लिया या नहीं हुआ, बहुत सारी प्रॉब्लम में हैं, उनको साथियों दुबई गवर्नमेंट ने अपने वादे से मुकरते हुए, जी हाँ साथियों, वादे से मुकरते हुए 31 दिसंबर 2020 को घटा के 12 जुलाई लास्ट कर दी, जो आज की डेट है। जी हाँ साथियों, आज की डेट के बाद में जो आदमी दुबई में रहेगा उसका फाइन लगेगा। तो कितनी बड़ी बैड न्यूज़ है, दुबई सरकार ने आप लोगों के साथ चीटिंग की है, धोखा किया है। एक बार जो आदमी, जो सरकार बोल देती है तो उस पर कायम रहना चाहिए, लेकिन उनको पता है सब कंट्रियाँ पैसा ले रही है तो हम पीछे क्यों रहे। आपको पता है भाई कोविड-19 की वजह से सबकी ऐसी की तैसी हुई पड़ी है कंट्रियों की, और गल्फ कंट्रीज की तो औकात ही पेट्रोल पे चलती है, डीजल पे चलती है, इनमें इनकी बैंड बजी पड़ी है, तो पैसा तो आना चाहिए किधर किधर से। तो आप लोगों के साथ चीटिंग करते हुए मेरी नजर में, क्योंकि एक बार सरकार कोई छोटी चीज नहीं है, अनाउंस कर दे पूरे वर्ल्ड में, न्यूज फैल जाए कि 31 दिसंबर तक वीजा आपका एक्सटेंड कर दिया गया, कोई चार्ज नहीं, उसमें सभी कैटेगरी के वीजा हैं, ठीक है, फिर सरकार अपने फैसले से, वादे से मुकरते हुए वापस बोल दे जी नहीं, वो फैसला हम रद्द करते हैं, 12 जुलाई तक का आपको टाइम देते हैं, 12 जुलाई के बाद आप जाओगे, आप ज्यादा आप दुबई में रुकोगे, ग्रेस पीरियड खत्म हो जाएगा, तो हम आपसे फाइन लेंगे।
तो आप इसको क्या माने भाई? मैं तो ये मानूं आप लोगों के साथ चीटिंग करी है यूएई सरकार ने। सेम कंडीशन ये ही रेजिडेंशियल वीजा पे उन्होंने कर दी, इमिरेट्स आईडी पे उन्होंने कर दी, टाइम दे दिया 3 महीने बाद। आप अब जैसे वर्ल्ड दुनिया दुबई से बाहर बैठी है, उनको बोला 3 महीने तक आओगे उसके बाद आओगे तो आपका भी चार्ज लगेगा। यानी सभी तरह के वीजा में यूएई सरकार ने मतलब बड़े बदलाव करते हुए सब जितने भी पिछले उन्होंने घोषणा करी थी अपनी वादों से वापस मुकर के सब पे टैक्स और आपका फाइन वगैरह जोड़ जाड़ के आपको बराबर कर देगी। जी हां साथियों, तो मुझे नहीं लगता कि पहले यूएई दुबई सरकार ने इतनी बढ़ाई करके ये बात नहीं करनी चाहिए थी अभी भी, लेकिन जो क्या करें भाई, सरकार है, नियम कर दे तो कर दे, पैसा की उनको जरूरत है तो उनको पता है इन दुबई में सबसे ज्यादा दुनिया पॉपुलेशन जाती है तो पैसा उनको आएगा, एयरपोर्ट छोड़ेगा तो पैसा देना पड़ेगा। तो आप समझ चुके होंगे मेरी बात को, मैंने जितने भी जानकारी थी आप लोगों के साथ शेयर कर दी। इस पे अब नई अपडेट आती है तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद, वंदे।